दोस्तों आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है और आज भारतीय साइंटिस्टों ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके लिए हम आज भी रशिया और इजराइल के ऊपर निर्भर रहते थे, और इस अचीवमेंट की वजह से अब भारत की मिसाइलें और भी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल DRDO ने सेरेमिक रेडोम को बनाकर तैयार कर लिया है जिसका भारत में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। सेरेमिक रेडोम मिसाइल का वो पार्ट होता है जो मिसाइल के सबसे ऊपर लगा होता है। सेरेमिक रेडोम का ये फायदा होता है कि जो मिसाइलों में माइक्रोवेव इक्विपमेंट लगे होते हैं ये उनकी प्रोटेक्शन करता है। सेरेमिक रेडोम का मेनली ये काम होता है कि ये मिसाइल में लगे रडार और सीकर की भी प्रोटेक्शन करता है, और सेरेमिक रेडोम का एक फायदा ये भी होता है कि ये रडार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीव करवाने में भी मदद करता है ताकि मिसाइल अपनी 100% एक्यूरेसी से टारगेट को हिट कर सके। सेरेमिक रेडोम की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कम देशों के पास है क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर इस रेडोम को बनाने में एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपकी मिसाइल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और आज तक हम सेरेमिक रेडोम को रशिया और इजराइल से खरीदते थे, लेकिन इजराइल और रशिया की तरफ से आज तक भी भारत को रेडोम की टेक्नोलॉजी नहीं दी गई थी, और भारत को एक रेडोम की कीमत 70 से 80 लाख रुपए पड़ती थी, लेकिन जो भारत ने खुद का रेडोम बनाया है उसकी कीमत हमें 7 से 8 लाख रुपए पड़ने वाली है, जिससे भारत की मिसाइलों की कीमत भी कम हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को DRDO ने डेवलप किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करेगी। DRDO ने इस रेडोम को इसलिए भी बनाया है ताकि अगर हमारा फ्यूचर में युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर हमें रेडोम मिलने बंद हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम मिसाइलों को नहीं बना सकेंगे, लेकिन खुद के रेडोम होने की वजह से फिर हम चाहे कितनी भी मिसाइल बनाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत हर महीने 40 रेडोम बनाने में फिलहाल सक्षम है, और भारत की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर 1000 रेडोम को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और अब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 24 रेडोम को बनाकर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को सौंप दिया है, जिनका इस्तेमाल आने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। और भारत की इस अचीवमेंट को देखते हुए आज इजराइल की तरफ से भी बोला गया है कि आज भारत मिसाइलों को बनाने के लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुका है। और अब आपके लिए एक सवाल यह है कि क्या आप सेरेमिक रेडोम के बारे में पहले से जानते थे या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।